नमस्कार, मैं ओम प्रकाश धीरज और आप देख रहे हैं इन खबर। प्रभास, बाहुबली प्रभास, आपको याद होगा प्रभास जो बाहुबली के लिए जाने जाते थे। उनकी पहली हिंदी फिल्म साहो का ट्रेलर रिलीज हो गया है। साहो में उनके साथ श्रद्धा कपूर, चंकी पांडे, जैकी श्रॉफ, नील नितिन मुकेश, अरुण विजय समेत कई और कलाकार हैं। उसका ट्रेलर आज रिलीज हुआ है जस्ट अभी, और इससे पहले उसका टीजर रिलीज हुआ था जिसके बाद दर्शकों में काफ़ी उत्साह था और वो काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि कब इसका ट्रेलर रिलीज होने वाला है। अभी कुछ समय पहले, तकरीबन 5 मिनट पहले इसका ट्रेलर रिलीज हुआ है जो तकरीबन 3 मिनट का है, और जिसे देखने के बाद लग रहा है कि वाकई इस बाहुबली प्रभास इस फिल्म में कुछ और अपने मतलब एक्शन को चाहे उससे और ज़्यादा अपनी एक्टिंग की का जलवा अलग ही लेवल पर बिखेरने वाले हैं। इस फिल्म के ट्रेलर की बात करें तो इस फिल्म की कहानी चाहे इसके किरदार के बारे में डिटेल से बताया गया है। टीजर में ज़्यादा पता नहीं चल पाया था और सिर्फ कैरेक्टर इंट्रोडक्शन हुआ था, लेकिन अब ट्रेलर में जाके इस फिल्म से जुड़ी हर चीज़ें खुलने लगी हैं। इसमें पता चलता है कि किस तरह एक गैंगस्टर के हैं या चोर के हैं या जो भी आम बॉलीवुड फिल्मों की जो भाषा होती है, चोर होते हैं जो धीरे धीरे उसका दायरा मुंबई, हैदराबाद से दुबई, रोमानिया, ऑस्ट्रिया तक पहुंचता है। तो एक गैंगस्टर होता है एक जिसको श्रद्धा कपूर जो एक क्राइम ब्रांच ऑफिसर हैं उनसे प्यार हो जाता है, फिर बाद में कैसे उनकी ज़िंदगी दूसरे मोड़ पर चली जाती है जब वो प्रभास की ज़िंदगी से रूबरू होती हैं, और तब उन्हें पता चलता है कि प्रभास कैसे हैं, क्रिमिनल बैकग्राउंड है उनका, और फिर उनका सामना होता है जैकी श्रॉफ, नील नितिन मुकेश, चंकी पांडे जैसे तमाम जो विलेन के रूप में जो दिखे हैं इस फिल्म में उनसे। तो ट्रेलर देखने के बाद यही लगता है कि फिल्म में ज़बरदस्त एक्शन है जो दुबई, ऑस्ट्रिया, अबू धाबी समेत कई बड़े शहरों में शूट हुई है, और इसके साथ ही फिल्म की स्पीड कहें, एक्शन स्पीड जो होती है, एक्शन को किस तरह से फिल्माते हैं, ये सारी चीज़ें देखने में काफ़ी लग रहा है कि हॉलीवुड फिल्मों से प्रेरित दिखती है। और आपको बता दें कि सुजीत की यह फिल्म 300 करोड़ के बड़े बजट में बनी है, तो इसमें किस तरह का एक्शन होगा इसका खासा अंदाज़ा आपको इसके बजट से ही लगाया जा सकता है कि उन्होंने एक फिल्म की एक सीन की शूटिंग में तकरीबन 25 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे। अब दुबई में बुर्ज खलीफा के आसपास उस फिल्म के एक सीन की शूटिंग हुई थी। वैसे ही मुंबई का, इस फिल्म में मुंबई का सीन है, हैदराबाद का सीन है, रोमानिया, ऑस्ट्रिया, यूरोप के कई शहर में इस फिल्म की शूटिंग हुई है जो देखने में काफ़ी भव्य लगती है। और प्रभास अपने बाहुबली किरदार से थोड़ा अलग इसमें दिखते हैं, जिसमें चोर हंसी मजाक करते हुए दिखते हैं, डरते दिखते हैं, इन सारी चीज़ें इस फिल्म में बखूबी दिखती हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये फिल्म देखने में तो काफ़ी प्रॉमिसिंग लगती है। बाकी ये फिल्म रिलीज 30 अगस्त को होने वाली है, उस दिन पता चलेगा कि इसी फिल्म कैसी बनी है। तो तमाम बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, शुक्रिया। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।